आज हम स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बताया गया था, पिकनिक पर जो जरूरी सामान लाना है वो सब लाए हैं ना? ये देखो, ये मेरी एक स्पेशल ड्रेस है जो एक मशहूर डिजाइनर ने डिजाइन की है, और ये जूते स्पेशल एयर कुशन वाले हैं जिनसे आप जितना भी चलेंगे थकेंगे नहीं। बहुत अच्छे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पिकनिक पर जाते समय ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपको आराम दे। ऐसे जूते कहाँ मिलते हैं? ऐसे जूते आजकल हर जगह मिल जाते हैं। सब बच्चे सुनो, आप लोग अपने सर या हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालेंगे। ओके मैम। तो योशिनागा मैम, मैं नहीं, कुछ भी नहीं। आपने तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। जब तुम टीचर बनोगे तो बच्चों के बोलने से पहले ही समझ जाओगे कि वो क्या बोलने वाले हैं। क्या आप जादूगर हैं? ये कोई जादुई ताकत नहीं है, इसे मन की आंखें कहते हैं। हमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या कहने वाला है। हाँ, मैंने ये टीवी पर देखा है कि बिना कहे दूसरे तक बात कैसे पहुंचा सकते हैं। इसे दिमाग को पढ़ना कहते हैं। क्या कहा? योशिनागा मैम दिमाग को पढ़ सकती हैं? हाँ हाँ। और क्या प्रिंसिपल सर भी एक जादूगर है? हाँ हाँ, शायद वो भी ऐसा कर सकते हैं। लगता है अब ये कोई गड़बड़ करेगा। अरे रुक जाओ शिनचांगी, तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल सर भी अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मुझे लगता है हमें सिटिंग अरेंजमेंट को बदलना पड़ेगा। बो, एक काम करो, तुम आगे आओ। शिनचांग, तुम बो की सीट पर जाओ। लेकिन मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है। खिड़की वहाँ पीछे भी है। खिड़की खिड़की खिड़की। कितना शरारती है। शिनचांग, तुम स्नैक्स में क्या लाए हो? मेरे पास तो पोटैटो चिप्स हैं। तुम क्या लाए हो? और मेरे पास भी कैंडीज हैं। शिनचांग, तुम क्या लाए हो? चोको चिप्स? मैं स्नैक्स में खाने के लिए क्या लाया हूँ? चोको चिप्स। तुम चाहते हो मैं खा लूं? अरे वाह, कितने टेस्टी है। चोको चिप्स, चोको चिप्स। शिनचांग, कल के लिए बैग तैयार किया? हाँ, ये स्नैक्स तो कल के एक्सकर्शन टूर के लिए थे और तुमने आज ही खा लिए। ठीक है, कल ऐसे ही जाना फिर तुम। स्नैक्स खाकर तो छोटे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन अब मैं बड़ा बच्चा हूँ इसलिए मुझे स्नैक्स की कोई जरूरत नहीं। जरूर कोई बात है नैनी। हाँ। चलो चलो जल्दी करो। इतना सारा जूस पीने के लिए किसने कहा था? अपना हाथ अपने रुमाल से साफ करना। वो मेरा रुमाल है, उसे वापस दो। अब मैं कहता हूँ छोड़ दो। अब मैं अपने हाथ किससे पोछूं? अब मैं क्या करूं? अरे कजामा, तुम चाहो तो मेरा रुमाल यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बस में रह गया है, मैं उसे अभी लाया। रुमाल, रुमाल, मेरा रुमाल, मेरा रुमाल। चोको चिप्स। मेरे पास चोको चिप्स है, ये है मेरे स्नैक्स। देखी तो जरा, चोको चिप्स खाने के लिए कितना खुश हो रहा है। ठीक कहा।
लेकिन मिस योशिनागा, ये कजामा कहाँ है? हाँ? शिनचैन, तुम्हारी वजह से मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये स्कूल ट्रिप में क्या हुआ? ज्यादा दूर मत जाना बच्चों। कहीं मैं खो तो नहीं जाऊंगी ना? मेरे साथ रहोगी तो खोगी नहीं। शिनचैन, मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। पर क्यों, क्या तुम मुझसे डरते हो कजामा? मैं नहीं डरता, पर फिर भी तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी पर ही रहना, समझ गए? ठीक है। इस तरह हमें याद रहेगा कि हम किस रास्ते से आए थे। तुम तो बहुत होशियार हो कजामा। ज्यादा नहीं, बस जरा सा। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, चलो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? हाँ, ये क्या कर रहे हो? पहली बार तो मुझसे कोई चीज इतनी सुंदर बनी थी। इसकी बजाय हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम आए किस तरफ से थे। इतना क्या सोचना? मेरे ख्याल से हम इसी रास्ते से आए थे। शिनचैन सुनो, कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ मसाओ? शिनचैन अचानक से गायब हो गया। क्या? कहीं उसे किसी भालू ने तो नहीं पकड़ लिया? क्या? अरे नहीं दोस्तों, ये क्या हो गया? शिनचैन, तुम्हें टॉयलेट जाने से पहले हम सबको बताना चाहिए ना। सॉरी। अब हमें किस तरफ जाना है? इस तरह की जगह पर गाइड पोस्ट जरूर लगे होते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कहीं लगा होगा। शिनचैन, यहाँ से हट जाओ। तुम वहाँ से हटे क्यों? क्योंकि तुमने कहा था। अरे हाँ, ये तो गाइड पोस्ट ही है। शिनचैन, ये गाइड पोस्ट किस तरफ लगा हुआ था? अच्छे बच्चों की तरह रास्ता पूछने के वक्त प्लीज बोलो कजामा। प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गाइड पोस्ट किस तरफ लगा हुआ था सर? पता नहीं। तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शिनचैन? हम इस तरह फैसला करेंगे। मैं भी करूँगा। मैं भी। बिना साइंस की मदद लिए कुछ नहीं हो सकता, हमें समझदारी से काम लेना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने सर्वाइवल पर एक बुक पढ़ी है। सर, साइकिल पर एक बुक? सर्वाइवल। अगर हम किसी पहाड़ या फिर जंगल में खो जाते हैं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो। क्या आसपास तुम्हें कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं? क्या इससे काम चल जाएगा? हाँ, इस तरफ नॉर्थ है और उस तरफ साउथ। कमाल है। पर तुम्हें कैसे पता कजामा?
पेड़ का दक्षिण का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ता है। कटे हुए पेड़ को देखकर इसका अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। वाह, अब तो हम यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएंगे। हाँ, तो इंतजार किस बात का है, चलो। लेकिन हमें किस तरफ जाना है? वो ऐसे मौकों पर इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह बैठ जाना अच्छा होता है, समझ गए? लेकिन मैं तो बोर हो रही हूँ। तो चलो कुछ खेलते हैं। ऐसे मौकों पर खेलना ठीक नहीं। पर ये बताओ, हम खेलेंगे क्या? खो जाने का खेल। पर हम सचमुच खो गए हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम खेलते खेलते और खो जाए? क्या कहा, हम खो गए हैं? मैंने सिर्फ यही कहा कि हम खेलेंगे तो और ज्यादा खो जाएंगे। अगर यहाँ कोई नहीं आया तो हम खो जाएंगे। कोई नहीं आया तो हमारा क्या होगा? इनको तुमने रुलाया, इसके जिम्मेदार तुम हो शिनचैन। कज़ामा मसाओ, कहाँ हो तुम लोग? तुम यहाँ हो? योशिनागा मैं। तुम लोग इतनी दूर क्यों आ गए? मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना। योशिनागा मैम, हम लोगों को यहाँ कज़ामा लेके आया था। ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? अच्छा, आप झगड़ना बंद करो और सब लोग मेरे साथ आ जाओ। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। पता नहीं ये सनफ्लावर ग्रुप के बच्चे कहाँ गए। हाँ हाँ सर, पता नहीं कहाँ चले गए। अब हम सीढ़ियों से उतरकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अरे हम लोग कहाँ आ गए हैं? हाँ जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप मेंटेनेंस ऑफिस से बोल रहे हैं? देखिए, किंडरगार्टन के कुछ बच्चे यहाँ पर अपने प्रिंसिपल सर को ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ पर उदास बैठे हैं और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकते, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छू?